नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है किशनगंगा। किशनगंगा का दूसरा नाम नीलम नदी भी है। तो किशनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम। झेलम का पुराना नाम क्या हुआ करता था? वितासपा। ठीक है, तो ये सवाल भी बन जाता है कई बार, ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई किसका क्या पुराना नाम था, बाकी झेलम आपको याद रखना है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन सी नदी के किनारे कौन सा यहाँ पर शहर बसा, तो कौन सा सही मैच नहीं है? तो गोदावरी नासिक बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि गोदावरी नासिक से ही तो निकलती है, नासिक के पास है त्र्यंबकेश्वर है, वहां से निकलती है। तो कोटा चंबल बिल्कुल सही बात है, राजस्थान। हैदराबाद और कृष्णा मैच नहीं कर रहे, हाँ बाकी एक करेक्ट मैच रहे, हैदराबाद और कृष्णा मैच नहीं कर रहे। अगला वही आपको सेम कोटा चंबल ठीक लिखा हुआ है, कोटा चंबल तो आपस में मैच कर रहा है। बाकी जबलपुर नर्मदा ये भी ठीक है, तापी सूरत ये भी ठीक है, पर भुवनेश्वर और महानदी आपस में मैच नहीं कर रहे। महानदी भुवनेश्वर से होके नहीं जाती, वो जो जगन्नाथपुरी है ना वहां से होके जाती है। आंसर हो जाएगा बी। अगला कटक लुधियाना नासिक उज्जैन, अब इसको भी मैच करो। कटक महानदी बिल्कुल सही है, मैच करते हैं इसको। और लुधियाना, लुधियाना के पास सतलुज बिल्कुल सही है, नासिक गोदावरी, उज्जैन शिप्रा नदी, पता है ना यहाँ पर ही लगता है कुंभ का मेला। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। आप मैच करके देखो, आंसर इसका बन जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या मंदाकिनी रिवर के पास नहीं बना हुआ है? ठीक है, तो इनमें से क्या मंदाकिनी रिवर के पास में नहीं बना हुआ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मंदाकिनी रिवर के पास यहाँ पर जो है गोविंद घाट यहाँ पे नहीं बना हुआ है, गौरीकुंड, रामबारा, गुप्त काशी यहीं पर ही पूरा रीजन बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। ये वही वाटरफॉल्स, मैंने आपको दूध सागर वाटरफॉल्स बताया था ना, आपको याद होगा, अगर मैंने बताया था मांडोवी गोवा बताया था ही मैंने, तो ये तो हो गया इसका आंसर। जॉग फॉल्स शारावती, बहुत ही फेमस है ये, तो मैं फटाफट मैच करूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चे देखते ही वाला आंसर मैच कर देंगे। ए का 4 हो गया, ठीक है, इसमें से सी और डी हटा दो फिर, और डी का हो गया 3, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए। बाकी मैच कर लो, दुदुमा वाटरफॉल्स वो कहाँ पे है? माचकुंड रिवर पे, और गोका का घाट प्रभा पे, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? शिवा सुंदरम वाटरफॉल, शिवा सुंदरम वाटरफॉल कावेरी पे ठीक बना हुआ है, जो अभी पढ़ा ना शारावती पे है, कृष्णा पे नहीं है, धुआंधार नर्मदा पे है, चूलिया चंबल पे है, जोग जो है ना वो यहाँ पे गलत, ठीक है ना, वो शारावती पे है कर्नाटका में। अगला, इनमें से कौन सा गोवा में है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था दूध सागर, बहुत ही फेमस है, बहुत ही सुंदर से है, मतलब बिल्कुल व्हाइट कलर के, तभी तो नाम दूध सागर, बिल्कुल व्हाइट दिखते हैं, तो दूर से देखो तो बिल्कुल ऐसा लगता है धुआं सा निकल रहा है, व्हाइट व्हाइट कलर के है बिल्कुल, तो इसलिए गोवा में है, तो मांडोवी। गोवा की देखो दो नदियां याद रखना, जुआरी नदी और एक मांडोवी, बस दो ही याद कर लेना, और मांडोवी में बस याद रख लेना कि दूध सागर वाटरफॉल्स है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, एक ही है गोवा में, मोल्लम नेशनल पार्क। गोवा के बारे में दो तीन चीजें याद रख लेना। गोवा में एक पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है, जिसका नाम क्या है बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, गोवा के बंदरगाह का नाम। अगला, कुंचिकल, कुंचिकल भी काफी ऊंचे हैं भारत के, तो कुंचिकल की अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें ऑड वन आउट करके निकाल लो, 455 मीटर, डी आंसर होगा इसका। अगला, वेम्बनाद लेक, भारत की सबसे बड़ी लेक, मैंने बताया था ना केरल के अंदर, लॉन्गेस्ट है, 96 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगला, दो लेक, दो स्टेट शेयर करती, मैंने ये भी बताया था, दो स्टेट यहाँ पे कौन सी शेयर करती है, वो है पुलिकट, पुलिकट लेक जो है ना झील, वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, इसलिए वो दो स्टेट शेयर करती है, आंसर हो जाएगा इसका पुलिकट। चिल्का उड़ीसा में एक ही में है, कोलीरू आंध्रा में है, लोनार महाराष्ट्र में है,
और ये आंध्र और तमिलनाडु दोनों में है। अगला, फुलहार झील। फुलहार झील या फुलहार झील ये कहाँ पड़ती है? यूपी में। ये तो सभी को पता होगा मेरे हिसाब से तो, है ना, ये तो फेमस है काफी ज्यादा। तो फुलहार झील, फुलहार लेक या पंगेली फुलहार लेक भी कहते हैं, ये यूपी में बनी हुई है। और गोमती रिवर जो है वो यहीं से निकलती है, इसको भी याद रखिएगा। अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेम्बनाथ केरला में है, ठीक है। लोकटक मेघालय में नहीं, मणिपुर में है। डल कश्मीर पुलिकट दोनों शेयर करते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लोकटक आंसर गलत हो जाएगा, मणिपुर। लोक टक लेक जो है मणिपुर में है और इसी पर एक नेशनल पार्क बना हुआ है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये इंडिया का पहला या इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि एक नदी के ऊपर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। अगला देखेंगे क्या करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर। लोनार गलत है, क्योंकि लोनार जो है वो कहाँ बना हुआ है? लोनार बना हुआ है महाराष्ट्र में। इसका कलर जो है पिंक होता जा रहा है, बताना जरा क्यों पिंक होता जा रहा है। उसके बाद नक्की लेक, नक्की नक्की लेक राजस्थान में पड़ती है माउंट आबू के पास। कोलीरू ठीक लिखा है, पुलिकट गलत है यहाँ पर, ठीक है ना, पुलिकट गलत है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी। बाकी सब तो गलत लिखे हुआ, आपसे करेक्टली वाला पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना, सी। अगला, असम में इनमें से कौन सी लेक बनी हुई है? अब आप लोगों को ये तो पता ही है कि इनमें से कोलीरू तो यहाँ पे है ही नहीं, आपको ये तो पता ही है कि इसमें से कोलीरू तो मैंने बताया हुआ है। उसके अलावा मैं हर एक का आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी कहाँ पे बनी हुई है। हामिरसार झील जो है या हामिरसार लेक, ये गुजरात में बनी हुई है भुज के पास, ठीक है। उसके अलावा साला लेक जो है ये कहाँ बनी हुई है? अरुणाचल में। सेला और साला ये अरुणाचल में है, सला भी कह सकते हैं उसको। चंपानला चपनाला ये है कहाँ पर? आपकी असम में। अगला, इनमें से किसको रहस्यमयी झील के नाम से भी जानते हैं? तो ये मिस्ट्री लेक, रूपकुंड लेक को कहा जाता है उत्तराखंड की। त्रिशूल बताया था ना बागेश्वर वाला, उसी के ऊपर पड़ती है ये। ग्लेशियर लेक है, रूपकुंड लेक, इसके बारे में पूछा जा सकता है। मिस्ट्री लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। स्केलेटन लेक भी कहते हैं, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। अगला, इनमें से कौन सी जम्मू कश्मीर में नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी लेक है तो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को नहीं मिलेगी? वो है अंचर लेक। अच्छा है कौन सी ना? हाँ, तो यहाँ पर फुलहर तो आपको पता है यूपी में, कोलीरो भी पता है, बताया है, हामिरसार गुजरात में है, अचर लेक जो है ना वो आपकी जम्मू कश्मीर में है। अगला, इनमें से कौन से जो है यहाँ पर बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई जो झील है घेपान, वो इनमें से कहाँ मिलेगी? हिमाचल में, घेपान लेक। आप देख रहे हो लेक्स पे कितने ज्यादा सवाल है। मैं तो ऐसा कहूंगी आपको कि लेक को एक बार जरूर रिवाइज करके जाना। ऐसा नहीं कि आपने ऐसी कोई वीडियो देख ली जिसमें बिल्कुल छोटी छोटी सी दो तीन लेक्स आपने पढ़ ली, नहीं, डिटेल में पढ़ के जाना। काफी सारी लेक्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है। सिसु जो विलेज है ना हिमाचल का, लाहौल स्पीति, वहीं के आसपास पड़ती है, वो है घेपान लेक। बहुत कम लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा पूछ लिया, बहुत कम लोग जानते हैं घेपान लेक के बारे में। अगला है, इनमें से कौन सी स्टेट में, आप देखो कब सबसे पहले मॉनसून आएगा? केरल, क्योंकि साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिमी जो मॉनसून है वो एंटर ही भारत में केरल के हिस्से से करता है। अगला, इनमें से किसको यहाँ पर सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के माउंट रेनफॉल से, जो उत्तर पूर्वी मॉनसून आएगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर उनको बारिश मिलेगी उससे, वो क्या है? तमिलनाडु। इसको भी याद कर लो, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल किसको मिलती है इनमें से? वो है सिक्किम। एनुअल भारत पूरी पूछ रहा, पूरे साल की सिक्किम। वैसे अगर ऑप्शन में मेघालय होता, महाराष्ट्र होता तो वो लगा देते, पर है नहीं तो हम सिक्किम लगाएंगे। अगला, सबसे कम, ये तो बड़ा इजी है, सबसे कम रेनफॉल किसको मिलेगी? लेह को। बीकानेर जैसलमेर को भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, पर लेह को, लद्दाख जम्मू कश्मीर की साइड में कम मिलेगी। चेरापुंजी मौसिनराम महाबलेश्वर तो सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है।
इंडिया में आपको पता है अच्छी खासी वर्षा कभी कभी आती है, पर फिर भी यहाँ पर देश प्यासी धरती समझा जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी से बह जाता है, और पानी की शीघ्रता, पानी जो है ना, वर्षा का पानी, वो शीघ्रता ही भाप बनकर उड़ भी जाता है। और कुछ थोड़े ही महीनों में, जो बारिश है बहुत थोड़े महीनों के लिए आती है, जैसे अभी शुरू हो गई, कुछ टाइम में शुरू हो जाएगी, जून जुलाई में, है ना, जून में तो नहीं, एक्चुअली जुलाई में शुरू होती है, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर में ज्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सारे कारण है जिसकी वजह से भारत में आती रेनफॉल अच्छी खासी है, पर फिर भी यहाँ पर प्यासी धरती कहा जाता है। इसमें यहाँ पर 200 मिलीमीटर, औसती 200 मिलीमीटर की वर्षा यहाँ पर होती है। इनमें से कहाँ पर होती है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, बाकी सब में 200 से ज्यादा होती है। अगला, भारत में जितने भी अंतरदेशीय जल मार्ग हैं, वो उनका पर्याप्त तरीके से विकास नहीं हुआ है। भारत के अधिकतम भागों में वर्षा साल के 4 महीनों ही में ही होती है। तो आप इसको पढ़ोगे तो हाँ, ठीक बात लिखी हुई है, ज्यादातर जल मार्ग को हम विकास नहीं कर पाए, क्योंकि जल वर्षा जो है वो 4 महीनों के लिए ही होती है। आंसर ये हो जाएगा इसका, दोनों ठीक लिखे। भारत में जो उत्तरी मैदान है, वहां पे शीत ऋतु में वर्षा होती है, सही बात है। क्यों होती है, क्या रीजन है इसका? क्योंकि पश्चिम विक्षोभ आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ऑलमोस्ट जो आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, उसका आंसर पश्चिम विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही है। तमिलनाडु में आपको बताया क्यों होता है? तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मॉनसून, ये दक्षिण पूर्वी में केरल का आंसर आएगा, उत्तर पूर्वी तमिलनाडु। अगला, भारत में उत्तरी मैदानों में जोड़ के जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, जो जब विंटर्स आए होते हैं, तो हाँ ठीक बात है, ये सब लिखा हुआ है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मॉनसून सक्रिय होता है। आपस में दोनों बातें ठीक लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन मेल नहीं खा रही, बातें दोनों अलग अलग। आंसर इसका हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा निम्नलिखित किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? शीतकाल में इनमें से कहां पे वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम मानसून की वजह से होती है। अगला, सुनामी वार्निंग सेंटर जो है भारत में, वो कहां पर बना हुआ है? सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में बना हुआ है। ये आपको लर्न करने हैं सारे ये फैक्ट्स वगैरह, जितने भी इस प्रकार के फैक्ट्स होते हैं ये लर्न करने हैं। मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान, IMG, ऑब्वियस सी बात है, मतलब याद करना पड़ेगा ऐसी चीजों को। ये कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में बना हुआ है, ठीक है। अगला, जो भारत में हिमालय में भूस्खलन होते हैं, उनकी जो आवृत्ति है वो काफी उसमें वृद्धि हो गई है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पहले के समय से बढ़ गए हैं, बिल्कुल सही बात है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिमालय में बहुत ज्यादा पैमाने पर खनन हुआ है, इसकी वजह से ग्लेशियर भी पिघलते जा रहे हैं, लद्दाख में इसके लिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी चल रहा है, और साथ ही साथ भूस्खलन में भी काफी वृद्धि हो गई है। तो सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही लिखी हुई है। दोनों स्टेटमेंट आप देखोगे तो अपने आप में यहाँ पर जो है वो सही लिखी है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ सकते हो, और सही लिखा हुआ है दोनों, ठीक है भाई। अगला, हमारा जो भारत का पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, तो उनमें से कहाँ पे ज्यादा साइक्लोन हमें देखने को मिलेंगे? तो पूर्वी तट में ज्यादा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वहां ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर नॉर्थ ईस्ट की ट्रेड विंड्स, तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं, उसका रीजन पड़ता है, इसकी वजह से वहां पर ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, और ये सही बात है। दोनों ही अपने आप में ठीक लिखी हुई बातें हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। जो महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र है, इस पे कोयना डैम भी बना हुआ है, कोयना एक रिवर भी है, तो ये जो है जरूरी है कि वहां पे अर्थक्वेक आए? हाँ ठीक बात है, वहां पे, क्योंकि वहां पर कोयना डैम बना हुआ है, जहां पे कभी भी कहीं पर ज्यादा वाटर लेवल बढ़ सकता है। तो ठीक लिखा हुआ है, दोनों आपस में बिल्कुल सही बातें लिखी हुई हैं। आप अच्छे से पढ़ो, वीडियो पॉज करके इस पूरी दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ो, आपको पता चल जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, इनमें से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखले में नहीं आता, जहाँ पे भूकंप आने के चांस कम है? वो है कर्नाटका। अगर आप इसमें देखो, उत्तराखंड, हिमाचल, कच्छ, ये रीजन में ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। कच्छ में तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक भी आया था 2002 में, याद है? कर्नाटका का जो पठार है ना, वो यहाँ पर नहीं आता इस रीजन, सिस्मिक जोन में।
फ्लड सबसे ज्यादा आने के चांसेस कहाँ पे? सभी लोग जानते हैं बिहार, जानते हैं ना, सभी लोग बहुत फ्लड आते हैं, कोसी रिवर के कारण भी आते हैं, वैसे भी वहां पे काफी ज्यादा फ्लड आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो वो है पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है पूरा, वहां पर सबसे ज्यादा जरूर, मतलब ऐसा है कि भाई उत्तर प्रदेश में पूर्वी का जो पूरा पूरा इलाका है, वहां पे ज्यादा चांस है कि फ्लड ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण जो है वो बना है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण इसमें रेगुड़ की जो मिट्टी है, रेगुड़ सॉइल जो है वो आपको देखने को सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, लावा, बेसाल्टिक लावा, तभी उसका कलर जो है ना वो ब्लैक होता है। और कलर ब्लैक होने की वजह से पीछे एक और कारण भी है कि उसमें टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट भी उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसी रेगुड़ सॉइल का मतलब क्या है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जो कि डेक्कन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेगुड़ सॉइल्स, दक्षिणी ट्रैप का रेगुड़ मिट्टियां काली होती है, बिल्कुल सही बात, यह अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने आपको, अभी मतलब जस्ट ही बताया। लेकिन यहाँ पर ह्यूमस में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, नहीं, दे लैक इन ह्यूमस, इनमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? अभी बताया ना, रेगुड़ मिट्टी, ब्लैक सॉइल, सबसे ज्यादा कपास बहुत अच्छे से उग सकती है यहाँ पर। अगला प्रश्न, ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन कपास जो है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही बात। इनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, ये भी मतलब ये जो बात है मतलब कि ब्लैक सॉइल में नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है, इनमें कम होता है। ठीक है, तो ये सी आंसर हो जाएगा। ए तो ठीक लिखा हुआ है कॉटन के लिए, लेकिन बाकी वाला गलत है। लावा सॉइल, लावा सॉइल का मतलब क्या है कि जो पूरा वो है ना काली काली मिट्टी वाला, वो मालवा, शिलोंग में तो नहीं होता, ट्रांस सरयू में नहीं है, सरयू वाला रीजन मालवा में होता है। अगला प्रश्न, मालवा प्लेटू में कौन सी सॉइल मिलती है? काली मिट्टी, अभी बताया था ना मालवा। मालवा पता है कहाँ का रीजन? मध्य प्रदेश वाला रीजन पड़ता है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, मेवाड़, उस रीजन में पड़ता है। ये पढ़ा ना आप लोगों ने दक्कन पठार के बारे में पूरा, वो पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ना पूरा। इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसको कम सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि वो नमी रोक कर रखती है, बहुत ना अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी होती है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ना क्ले टाइप बन जाती है, काली मिट्टी तो जैसे ना चिकनी मिट्टी टाइप बन जाती है, इसमें अच्छे खासा अमाउंट में पानी को होल्ड करना, पानी को यहाँ पर अच्छे खासे रोक करके रख सकती है, वो है हमारी ब्लैक सॉइल। अगला देखो, ब्लैक सॉइल पे कितने सारे क्वेश्चन है। ब्लैक सॉइल को रेगुड़ कहते हैं, सही बात है। क्राप्स के अनुसार ये बहुत ही मेच्योर मिट्टी है, परिपक्व है, और ये काफी अच्छी मॉइस्चर और पानी को होल्ड करके रख सकते हैं। हिमालय के क्षेत्र में, गलत, ये दक्कन के क्षेत्र में पाई जाती है, हिमालय के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोगों को लर्न करना है, इस पे आपका सवाल बिल्कुल बिल्कुल हाई चांस है कि बन सकता है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लेटराइट। अब आगे लेटराइट की मिट्टियां, ये रेड कलर की होती है ऑलमोस्ट, ये जो लेटराइट की जितनी भी मिट्टी होती है वो आपको रेड कलर में जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो लेटराइट की जो मिट्टी होती है कहाँ पे मिलेगी? ये मालाबार जो होता है ना, बिल्कुल केरल वाला रीजन है, वहां मिलेगी। बुंदेल बाघेल में तो आपको ज्यादातर ब्लैक वाली मिल जाएगी, कोरामंडल में आपको रेड एंड येलो वाली मिल जाएगी, और लेटराइट जो आपको बिल्कुल मिट्टी की तरह जिससे ईटे बनाई जाती है वो होगी ना, वो आपको यहाँ पर मालाबार, तो केरल वाला रीजन है, वहां मिलेगी। अगला, इनमें से क्या लेटराइट की मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो देख लेते हैं, सबसे पहला कि ये जो है अपलाक्षित क्षेत्रों में मिट्टी मिलती है आद्र, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ही ज्यादा जो है कैसी होती है, जिसमें से पानी लीच हो जाता है, इनका जो न्यूट्रिशन है वो इतनी रेनफॉल पड़ती है कि वो लीच अवे हो जाता है, मतलब बह जाता है। इनकी उर्वरता भी काफी कम होती है, लेकिन इनमें चूना ज्यादा होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे लैक इन लाइम, इनमें कोई लाइम का अमाउंट नहीं होता है। ठीक है,
अगला, भारतीय की जितनी में मृदा है उसमें सूक्ष्म तत्व की किसकी सबसे ज्यादा कमी होती है? तो वो है जिंक। बाकी इनमें कॉपर मिलता है, आयरन मिलता है, मैंगनीज मिलता है, पर जस्ता जो है वो बहुत कम होता है। अगला, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो है वो, मतलब एल्केलाई वाला जो रीजन होता है क्षारीय क्षेत्र, वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? यूपी में मिलता है। एल्केलाई रीजन आपको मैक्सिमम यूपी में देखने को मिलेगा। अगला, लवणीय मृदा सेलाइन सॉइल जो है आपको भारत में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी? गुजरात। अगर राजस्थान ऑप्शन में होता तो हम राजस्थान भी लगा सकते थे, पर अभी ऑप्शन में आपका जो है वो गुजरात है, तो हमको वो लगाना पड़ेगा। अगला देखेंगे, सॉल्ट वाला, वही अगला पूछ रहा है कि सॉल्ट वाले रीजन में कहाँ पर सबसे ज्यादा है? तो गुजरात और राजस्थान दोनों ही है, तो पहले गुजरात आएगा फिर राजस्थान, पहले गुजरात आएगा, वहां पर काफी सारा कोस्ट है ना, वहां पर सबसे ज्यादा सॉल्ट वाला जो सॉइल है ना, वहीं पर एल्कलाइन मिट्टी जिसको हम कहते हैं सॉल्ट वाली, पीट एल्कलाइन, वो आपको गुजरात में मिलेगी। टी के लिए आपको कैसी मिट्टी की जरूरत होती है? अगर हमें टी उगाना है तो हमें एसिडिक सॉइल चाहिए, एल्कलाइन नहीं चाहिए ना एलुवियल। एलुवियल आपके लिए सबसे ज्यादा गेहूं उगाना है, उस सब के लिए चाहिए होती है। रेगुड़ आपको कॉटन के लिए, पल्सेस दालों के लिए चाहिए होती है। एसिडिक आपको टी के लिए, टी के जो बगान है वो ज्यादातर तो ऐसी जगह पे लगे हुए, दार्जिलिंग आसाम उस तरफ में। ठीक है, अगला, इनमें से किस एरिया में आपको सॉइल इरोजन जो होते हैं ना, मृदा अपरदन, पूरी ऊपर की लेयर का गायब हो जाना, कहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी? अगर इन चारों रीजन में देखें तो हम शिवालिक में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर पानी के बहाव की वजह से, जो शिवालिक रेंज का सबसे लास्ट का हिस्सा, वहां पे नदियां फ्लो करके आती है, पानी का बहाव होता है, भाबर का जो रीजन है वहां से पानी में बहता हुआ चला जाता है, इस वजह से ये सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। टीक और साल के पेड़, ये क्वेश्चन कई बार देखो पूछा गया है। टीक और साल के पेड़ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ड्राई डेसीडियस, मतलब कि ऐसे फॉरेस्ट जिनकी पत्तियां जो है वो झड़ जाती हैं और उसके बाद मॉनसून के सीजन में वापस से ग्रो हो जाती है। ठीक है, टीक, साल, शीशम, ये उनके पेड़ों के एग्जाम्पल है। अगला, चिंचोना या सिंकोना, सिंकोना के वृक्ष कहाँ पर नहीं उगते हैं? इनमें से कहाँ पर नहीं मिलेंगे? छत्तीसगढ़ में, आसाम, केरल, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे अच्छे खासे आपको इनके पेड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, टीक, टीक के पेड़ यहाँ पे कहाँ पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे? तो वो है मध्य प्रदेश। टीक, साल, अच्छा खासा अमाउंट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, अगला, इनमें से कौन से प्लांट्स में फ्लावर नहीं होते, कौन से पौधे में फूल ही नहीं देखने को मिलेंगे? तो कहाँ पर है वो है आपका फर्न के पेड़, जैकफ्रूट, कटहल, गूलर, ऑर्चिड्स, इन सब में होगा। फर्न जो होता है ना उनके पेड़ों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला, सागवान की लकड़ी या सागून, देवदार, सुंदरी, सिंकोना, अब आपको इनको मैच करना है। तो टीक के पेड़ आपको सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ मिलेंगे? वो आपको मध्य भारत में, सागान की। देवदार, देवदार या देवदार, इनके पेड़ आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? हिमालय के उच्च क्षेत्र में। सुंदरी, ये तो पता आपको, सुंदरवन, तभी तो नाम सुंदरी पड़ा है। सिंकोना हिमालय की तरह, आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ये आपको सबसे ज्यादा तराई रीजन में देखने को मिलेंगे, इसका हो जाएगा फोर। शुष्क पर्णपाती वो हो जाएगा मध्य गंगा, अल्पाइन, अरुणाचल प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार आपको सह्याद्री में मिलेंगे, ये वहां पर सबसे ज्यादा भारत में रेनफॉल पड़ती है, इसलिए वो रीजन में आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में, अच्छे खासे अमाउंट में आपको वहां पर देखने को मिलेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा। अगला, वही आपको फिर से मैच करना है इसके अंदर, ये भी बहुत इजी है, मैच मैच करना है इसके अंदर, काफी इजी तरीके से आपका ये हो जाएगा।
मैच करा सब लोगों ने, तो इसको मैच करेंगे तो क्या बनेगा? ट्रॉपिकल मतलब वो उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे साइलेंट वैली। साइलेंट वैली क्या है? केरल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल की बात कर रहे हैं। कॉनिफेरस जो होता है ना, वो शुष्क वाले जिसके पत्ती एकदम कोन कोन टाइप होती हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे? हिमाचल में मिलेंगे ना, वो तो पहाड़ों पे मिलते हैं। और मैंग्रोव कहाँ मिलेंगे? सुंदरबन में बिल्कुल मिलेंगे, सबसे ज्यादा वहीं मिलते हैं। और डेसीडियस पतझड़ वन कहाँ मिलेंगे? वो राजस्थान में मिलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। मैच करके देख लो, डी आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न, मल्टीपर्पस ट्री, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है खेजरी के पेड़। ठीक है भाई, खेजरी के पेड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, कौन से रीजन में यहाँ पर सदा हुआ है? वो है सरयू पार मैदान में। अच्छा खासा 25 सालों में सिंचाई जो है उसका प्रबंधन काफी अच्छे तरीके से किया गया, ट्यूबवेल की इरिगेशन, ताकि हमारे फार्मर्स किसानों को बहुत ज्यादा मदद यहाँ पे मिल सके। अगला, ट्यूबवेल और जो हमारा नलकूप और कूप से संचित अधिकतम क्षेत्र यहाँ पर किसका है? यूपी का है, इसको आप याद कर लीजिएगा, यूपी का है। अगला, गार्लैंड केनाल सिस्टम जो है वो किसने लेकर के आए थे? जो माला की तरह नहर तंत्र होना चाहिए ये लेकर के आए थे नेशो जे बस्तूर। बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, दस्तूर जी ने ये किया था। ठीक है भाई, इंदिरा गांधी केनाल सबसे बड़ा केनाल है भारत का, हरी के बैरेज से शुरू होता है। हरी के बैरेज क्या है? जहां पर सतलुज और ब्यास का मिलन है, वहां से शुरू होकर के पूरा राजस्थान के थार तक ये पूरा एक बैरेज जाता है इंदिरा गांधी केनाल, जिससे पूरा राजस्थान के रीजन को यहाँ पे पानी की जो समस्या है उसको यहाँ पर आसान करवाया जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपसे इसके ऊपर सवाल बन सकता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, जरूर जरूर इसको लिख लीजिएगा, आपसे इस पे सीधा सीधा सवाल जो है वो बन सकता है, मतलब आ सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान इंदिरा गांधी का नाम कहाँ से निकलता है? बताया ही मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही इसका आंसर बताया है, सतलुज रिवर। ये ब्यास तो मिलती है ना आपके पर, एक्चुअली सतलुज ही फ्लो कर रही है, तो सतलुज वाला जो पॉइंट है ना वो इंदिरा गांधी के नाल, वो यहीं से आता है। अगला, सतलुज का जो ये इंदिरा गांधी केनाल का जो पानी है वो किस किस से मिलता है? अभी बताया ब्यास से मिलता है, सतलुज से मिलता है, तो 1 एंड 4 तो होगा, लेकिन 1 एंड 4 ऑप्शन में कहीं अकेले दिया नहीं हुआ। ठीक है, तो 2 इसको आप हटा दो क्योंकि 4 नहीं है, 4 नहीं है, यही बचता है 1, 4। तो रावी, रावी इसके जस्ट ऊपर आती है, तो रावी ब्यास और सतलुज का पानी मिक्स करके यहाँ पर इंदिरा गांधी केनाल हरी के बैरेज से राजस्थान थार डेजर्ट तक पहुंचाया जाता है। अगला, शारदा ट्रिब्यूटरी कमांड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, शारदा रिवर के डेवलपमेंट करने के लिए क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जाएगा? क्योंकि वहां पर हमें कृषि का उत्पादन बढ़ाना है, बहुफसली खेती बढ़ानी है, भू प्रबंधन में सुधार करना है। तीनों ही अपने आप में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। देखो, नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, अगर कभी भी इस तरीके की पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए तो अपने आप में वो पॉजिटिव स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला, निचली गंगा का उद्गम स्थान जो है, निचली गंगा यहाँ पर जो जिसका ओरिजिनेशन होता है वो कहाँ से होता है? नारोरा। नारोरा वही यूपी में जो पावर प्लांट वाला रीजन है। हरियाली योजना, हरियाली योजना किससे है कि हमें किस किसके लिए हरियाली लेके आनी है? जल प्रबंधन से हमें हरियाली लेके आनी है, उस योजना का नाम क्या रखा गया है? हरियाली योजना। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, हरियाली योजना, मतलब थोड़ा सा जो है पूछा जा सकता है, जल जीवन मिशन के तहत इसको बनाया गया है और अच्छा खासा पैसा दिया गया फार्मर्स, बिहार के फार्मर्स को, ताकि वो भी अपनी जो भी सिंचाई और जल, नहर, पोखरा सारी चीजों को जो है वो अपने हिसाब से वहां पर देख सके, उसी के लिए। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर डैम पता है ना सबको, सुना हुआ सब लोगों ने, नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, तो उस डैम से किस किस को सहायता मिलती है? तो देखो, एक तो गुजरात में बना हुआ है, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान सारे आसपास है ना, तो उन सबको सहायता देती है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान, ए आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का।
अगला, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? तो भाई जहां जिस जिस जगह पे उसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो गुजरात है, गुजरात में ही तो बना हुआ है सरदार सरोवर, नर्मदा, बड़ा भाखड़ा नांगल, ये भी आप सभी लोग जानते हैं, भाखड़ा नांगल के बारे में मुझे ऐसी उम्मीद है सब जानते होंगे। भाखड़ा नांगल हरियाणा पंजाब राजस्थान की शहर, ठीक है, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल दो अलग अलग जगह के नाम है, एक सेम जगह नहीं है, ये आपकी अलग अलग जगह पड़ती है। सबसे पुराना पन बिजली उत्पादन केंद्र, सबसे पुराना भारत का कौन सा है? वो है शिवा सुंदरम, शिवा सुंदरम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी जो है वो काफी फेमस है, तो इसको भी एक याद रखिएगा, शिवा सुंदरम हाइड्रो जल विद्युत जो है ये बनाया गया था। एक्चुअली मैं शिवा सुंदरम है कहाँ पर पहले तो बता दूं, ये एक वाटरफॉल भी है कर्नाटका में, ये कावेरी रिवर पे है, लिख लो इस चीज को, ये कावेरी नदी में 1902 में जो है इसको बनाया गया था। ये जो पूरा पूरा बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इसको जो हम बनाएंगे इससे क्या होगा ना, जो KGF है, सुना है ना सबने, पोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका की, वहां पे सबसे ज्यादा पानी की सप्लाई की जाएगी और पूरा वहां पे बिजली उत्पादन वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे दिया जाए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिवा सुंदरम कहाँ पे है? अभी बताया कर्नाटका, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना क्वेश्चन इससे। अगला, नागार्जुन सागर, अब नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट डैम सब कुछ बता रही हूँ, कहाँ पे है? कृष्णा नदी, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, वैसे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे है पर आप ऐसे याद करो कृष्णा नदी पे है, ठीक है, याद हो जाएगा नागार्जुन सागर। वैसे नागार्जुन सागर जो है वो एक साउथ इंडिया के एक्टर का भी नाम है, आपने मूवीज देखी होंगी उनकी, पर वैसे आप इसको याद कर लो कृष्णा रिवर, ठीक है। अगला भाई, नागार्जुन सागर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अगला, चंबल वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी के ऊपर इनमें से कौन कौन से डैम्स बने हुए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इनमें से जो है गोविंद सागर और वल्लभ पंत सागर इस पे नहीं बने, जवाहर सागर गांधी सागर दोनों बने हुए हैं, आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, लेकिन हमसे क्वेश्चन में नॉट पूछ रहा है तो आंसर 3 एंड 4 हो जाएगा कि कौन सा नहीं है, है ना। तो चंबल रिवर के ऊपर जो डैम्स है ना ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। चार डैम है मैं याद करा देती हूँ, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एंड कोटा बैरेज, चार याद करने हैं, ठीक है, हो जाएंगे याद। आगे बढ़ते हैं, टेहरी डैम, कौन सी नदी भागीरथी बहुत फेमस है, टेहरी डैम, ये तो मुझे लग रहा है सबको याद आऊंगा, ये तो कुछ ज्यादा इजी पूछ रही यूपीपीसीएस ने, है ना भाई, टेहरी डैम, टेहरी डैम चखोला उत्तर उत्तराखंड में है और ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, वर्ल्ड का 12वें नंबर पे आता है पर भारत का सबसे ऊंचा डैम, ठीक है, 2006 में इसने अपना काम करना शुरू किया, इसमें बहुत ज्यादा ना इश्यूज भी थे, आपने सुना उनका नाम सुंदरलाल बहुगुणा, अब तो इनकी डेथ हो गई है, चिपको मूवमेंट सुनी है ना, तो चिपको मूवमेंट यहाँ पर जो है याद रखिएगा इन्हीं से जुड़ी हुई है, टेहरी डैम, सुंदरलाल बहुगुणा की डेथ कोविड के समय ही हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा, जो तो चिपको मूवमेंट हुई थी ना इन्हीं पे हुई थी, टेहरी डैम के ऊपर हुई थी, सुंदरलाल बहुगुणा जिसमें काफी फेमस हुए थे, जिस पर्सन यहाँ पर एनवायरमेंट के लिए बहुत काम किया है। अगला, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के शोक नदी मानी जाती थी, उससे पहले इसको शोक नदी कहा जाता था क्यों, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लड आते थे, तो सही बात है ये, तो दामोदर क्यों ऐसा होता था, क्योंकि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से बहुत आती थी और निचले भाग में इसका प्रभाव धीरे हो जाता था, तीव्रता जहां से आएगी वहां पर फिर फ्लड आने शुरू हो जाएंगे, तो इसका यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, सही लिखा हुआ है, लेकिन अब जो है इसको कंट्रोल करने के लिए दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन बना दिया गया है जिसके तहत अब पूरा रीजन यहाँ पे जो है इजी हो गया है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती वहां पर, अब नहीं आती, पहले आती थी। अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम किसके ऊपर बना हुआ है? सतलुज नदी पर, हीराकुड अभी बताया थोड़ी देर पहले महानदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा पर, बचा हुआ इदुक्की पेरियार पर, हो जाएगा ना मैच, कितना इजी नहीं हो गया,
पूरी वीडियो अगर आपने अच्छे से सुन ली है तो आपके लिए इजी हो गया, इसका आंसर भी हो गया है ना भाई, मैच कर लो सब लोग। बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला हीराकुड, अगला फिर से आ गया उड़ीसा में, डी का तो 4 हो गया, बचता ही ये ऑप्शन है, आंसर ही ये हो जाएगा क्योंकि और कोई बचता ही नहीं। अगर आपको एक भी पता है ना आप लगा दोगे। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, मेटूर डैम तमिलनाडु, मयूराक्षी वेस्ट बंगाल। वही फिर आ गया अगला, फिर से नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर, बताया था ना थोड़ी देर पहले भी ये चीज, नागार्जुन सागर। तो सी का तो 3 हो गया, लेकिन सी का 3 ऑप्शन 3 उसमें है, तो डी को तो हटा दो। आगे इदुकी, इदुकी पेरियार पर है, ठीक है, ए का 4 हो गया, अब बी को भी हटा दो। अब आपका बचता ही सिर्फ ये वाला है, इसको देख लेते हैं। सी का 3 हो गया था, माता तिला, माता तिला मैंने बताया था ना झारखंड बेटवा, बी का हो गया 1, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना भाई। पोचमपड़ गोदावरी, गोदावरी पे निजाम सागर भी बना हुआ है। अगला कहाँ कहाँ पे है ये, फिर हीराकुड आ गया, हीराकुड बार बार आ रहा है देख लो आप। सी का 2 है, तो इसमें से डी हटा दो, बी हटा दो। काकरा पारा सुना है, ये एक वो भी है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो कर्नाटका हो जाएगा, है ना, तो डी का हो गया 4। अरे ऑप्शन भी नहीं आ रहा ये तो, काकरा पारा सॉरी गुजरात में, सॉरी सॉरी मुझे कंफ्यूजन हो गया, गुजरात में है, ठीक है, सॉरी सॉरी। हाँ मैं आपको बता देती हूँ याद रखने का तरीका, काकरा खाखरा, आपको पता ना गुजरात में खाखरा खाए जाते हैं, तो वहां से याद रख लो काकरा खाखरा। फिर घाट प्रभा कहाँ पे है, कर्नाटका, रखरा फरक्खा, ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक है, फरक्खा है, फरक्खा बैरेज पता है ना सबको, वेस्ट बंगाल। फरक्खा बैरेज वही बैरेज है जहां से जो गंगा नदी है एक चली जाती है बांग्लादेश में जिसका नाम पद्मा है, और एक भारत में रह जाती है कलकत्ता में, डाइवर्ट किया जाता है, इसका नाम हुगली है, ठीक है, तो ये वही है, आज कर लो इसको, आंसर बन जाएगा इसका ए। अगला तुलबुल प्रोजेक्ट, ये भी बड़ा न्यूज में रहता है। तुलबुल प्रोजेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, झेलम वितास्ता नदी से, ठीक है। कालसपार या कल्पसर, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना जो है वो किससे जुड़ी हुई है, वो यहाँ पे जुड़ी हुई है गुजरात से। अगला सुइल नदी, सुइल नदी कहाँ पे फ्लो करती है, हिमाचल में। इसको मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि इनसे एक दो बार क्वेश्चन आया, बहुत ज्यादा डिटेल में आया नहीं है, तो मैं कहूंगी कि इतना भी जरूरी नहीं है पढ़ना है, ठीक है। इनमें से क्या गलत मैच्ड है, आई थिंक सबको आता होगा नागार्जुन सागर इसमें आपको दिख रहा है गलत है, और जवाहर सागर नॉट करेक्टली मैच्ड, ये तो गलत ही लिखे हुए हैं। जवाहर सागर हरियाणा, ये तो देखो यार मुझे तो सारा ही गलत लग रहा है, ये एक बार आप भी पढ़ के देखो। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये सब तो राजस्थान में है कोटा के पास, तो इसमें देखो मैं एक बार मैच करती हूँ, जवाहर सागर गलत है, नागार्जुन सागर गलत है, शिवा सुंदरम गलत है, ये तो यार सारे ही गलत लग रहे हैं। गांधी सागर ठीक है बस इसमें, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें नॉट करेक्टली मैच की जगह करेक्टली मैच आना चाहिए, इनमें से कौन सा सही मैच है, गांधी सागर मध्य प्रदेश, ठीक है डी आंसर हो जाएगा, मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, है ना, वो कई बार हो जाती है आंसर लिखने में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि इसका आंसर सी दे रहे हैं पर डी होना चाहिए, कई बार ऐसा हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला रिहान प्रोजेक्ट, आपको मैच करने हैं सारे के सारे, तो रिहान नदी जो है, रिहान प्रोजेक्ट, रिहान नदी यहाँ पर सोन पे है क्योंकि वो उसी की ट्रिब्यूटरी होती है, ठीक है, रिहान ना देके उन्होंने सोन लिख दिया। टेहरी आपको पता है भागीरथी पर है, रामगंगा आपको पता है रामगंगा पे है, तो डी का 1 हो गया, ए का 3 हो गया, तो बचता ही सिर्फ यही है, सी ऑप्शन बचता है इसका आंसर, और रानी लक्ष्मीबाई बेटवा पर है, माता तिला रानी लक्ष्मीबाई ये बेटवा पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। उत्तर प्रदेश में
जो रानी लक्ष्मीबाई डैम है वो कहां पे है? बेतवा रिवर पे। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? करो मैच इनको। बिलहस्ती ठीक है चनाब पे। इंदिरा गांधी कैनाल सतलुज से निकल के, बिल्कुल ठीक लिखा है। नागार्जुन सागर कृष्णा पर, गलत लिखा हुआ है। उकई डैम तापी पे है, ठीक लिखा है। नागार्जुन सागर गलत है, मैंने आपको बताया था कृष्णा रिवर। और देख लो नागार्जुन सागर पे कितनी बार क्वेश्चन आया। लर्न हो गया ना अब तो सबको। मेरे साथ साथ लर्न करते जाओ, बहुत फायदा मिलेगा वीडियो का। मैं तो बस चाहती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे से पढ़े। और आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है ना पढ़ने में, मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से बना रही हूँ मैं ये वीडियो, और बहुत समय लग रहा है वीडियो बनाने में, है ना, बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और आई आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीजें। बस मैं यही चाहती हूँ कि सबको समझ में आए और सब लोग बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट करें, पेपर बहुत अच्छे से करके सब। बस मेरी इच्छा है कि भाई सब लोग पेपर बहुत अच्छे से करके आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भद्रा नदी, भद्रा का जलाशय, भवानी, गांधी सागर, नर्मदा। मैच करते हैं। गांधी सागर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मध्य प्रदेश में है। सी का टू, सी का टू है तो बी को हटा दो, एक सी को हटा दो, बसता ही सिर्फ ए और डी में है। और उसके बाद राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, कोटा के पास, तो डी का 3 हो जाएगा, बचता ही सिर्फ डी ऑप्शन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी बन रहा है ना। और भद्रा कहाँ पे है? वो है आपका कर्नाटका में। भवानी सागर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। डैम्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, रिजर्वॉयर डैम बहुत आते हैं। तिलैया, पंचेत, राणा प्रताप और माटा टीला। माटा टीला बेतवा, पता है आप लोगों को, हटा दो ये ऑप्शन, बचते ही नहीं और कोई। आगे मैच करो बाकियों को। ये बाराकार रिवर पे है, पंचेत जो है यहाँ पर गोदामोदर पे है, और ये चंबल पे है। कोल डैम किस पे बना हुआ है? सतलुज। कोल डैम सतलुज। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का इतिहास यहाँ पर किसने लिखा है? M.S. रंधावा द्वारा लिखा गया, जबकि इनमें से जो हरित क्रांति के जनक है वो M.S. स्वामीनाथन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न। पी सेन गुप्ता और जी सदायुक्त ने पूरे भारत में जितने भी, इंडिया में जितने भी रीजन है उनको छोटे छोटे कृषि प्रदेशों में बांटा था, कितने, किसमें? 60 एरियाज में बांटा गया था। अगला प्रश्न। भारत की जो शुष्क पेटी है उसकी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा कृषि आधारित है, तो ठीक लिखा हुआ है, ऐसा ही है। और बहुत जरूरी है कि वहां पर दूसरी हरित क्रांति को आयोजित किया जा सकता है, ठीक बात है, दोनों ठीक है, लेकिन आपस में मेल नहीं खा रही है बातें। लिखा ठीक हुआ है दोनों में, पर आपस में यहाँ पर बातें जो है वो मेल नहीं खा रही है, तो इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। भारत की पहली एग्रीकल्चर, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे खोला गया है? 1960 के दशक में खोला गया था। अगला पढ़ेंगे। जो पारंपरिक खेती होती आ रही है उसमें अगर हम कुछ चेंजेस करें तो हरित क्रांति काफी अच्छी भूमिका, बिल्कुल सही बात है। और आगे लिख रहा है उसमें कुछ ज्यादा पैसे नहीं लगते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई। सामाजिक और पर्यावरण लागत सम्मिलित तो नहीं होती ना, ऐसा तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा होती है भाई, ऐसा थोड़ी है पैसा नहीं लगता, तो गलत है, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला। भारत में इनमें से कौन सा कारण नहीं है कि जो भारत में कृषि की उत्पादकता जो है वो निम्न हो जाती है? तो कौन सा कारण नहीं है? तो देखो पहला तो आपका लिखा हुआ है जनसंख्या का दबाव, ये तो है ना कारण, जनसंख्या कितनी ज्यादा है, कितनी डिमांड होगी, डिमांड कितनी है, सप्लाई कहाँ से पूरी करे, है ना। प्रचंड बेरोजगारी, ये तो है ही है। सहकारी कृषि इसका कारण नहीं है, सहकारी कृषि तो उत्पादकता को बढ़ाने का कारण है ना भाई। और भूजोत का छोटा आकार, ये भी एक कारण है, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला। भारत में जो एग्रीकल्चर है वो क्या कहा जाता है? बिल्कुल जीविकारोपण का साधन माना जाता है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अगला। इनमें से कौन सा इलाका जो है वो हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की मात्रा जिसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, कौन सी है वो? लोबिया।
काउपी, उसमें सबसे ज्यादा आपको अच्छे खासे अमाउंट में नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। अगला, भारत में नई सुधारी गई उसर की जो हरी खाद होती है उसमें से कौन सी फसल होती है, वो भी क्या हो जाएगा इसका आंसर, ढेंचा। अगला, संतुलित उर्वरक का जो प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर क्यों किया जाता है, ताकि आप उत्पादकता बढ़ाओ, गुणवत्ता बढ़ाओ, भूमि को देखो, सभी कारणों की वजह से फर्टिलाइजर्स जो है उनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कौन सा है, अगर साउथ की बात करें तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु है, तेलंगाना नहीं है, विदर्भा भी नहीं, विदर्भा पता है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, केरल पे भी नहीं है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पोटेंशियल अच्छा है। आगे ऐसे ही पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन सबसे संपन्न राज्य इनमें से कौन सा, जहाँ पे दोबारा खेती खेती अच्छी की जा सकती है, वो है हमारा उत्तर प्रदेश। अगला, इनमें से कौन सी जो स्टेट है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेकेदार कृषि जो है सबसे ज्यादा वहां पे की जाती है, ठेकेदार कृषि में सबसे ज्यादा आगे है पंजाब। ग्रीन एग्रीकल्चर में इनमें से क्या क्या होता है, ग्रीन एग्रीकल्चर में इनमें से आप पढ़ो जो आपको सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रही है वो होगा। तो पहला ठीक लिखा है कि चलो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन जैविक खेती जरूरी नहीं, बागवानी पर जोर दो ऐसा भी जरूरी नहीं है, बागवानी और पुष्प कृषि पर ध्यान करते हुए कीटनाशक रासायनिक उर्वरकों से बचाव, ये तो देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऑब्जेक्टिव है, जैविक खेती का है, जबकि कीट प्रबंधन होना, पोषक प्रबंधन करना, संकेतित प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन करना, ये सब ग्रीन एग्रीकल्चर का पार्ट है, जो 1960 के दशक में लागू किया गया था एम एस स्वामीनाथन द्वारा। अगला, एगमार्क, एगमार्क जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए होता है, वो ये बताता है कि भाई आपका यहाँ पर गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है, कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में गुणवत्ता का रखता है, जैसे हॉलमार्क होता है ना उसके ऊपर गोल्ड के आइटम्स, ऐसे ही ये भी एक मार्क किया जाता है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहली बार एमएस स्वामीनाथन बाद द्वारा यूज किया गया था, सदाबहार क्रांति। इसमें से जो नॉर्मन बोरलॉग है ना, इन्हें, ये यूएसए के थे, इन्हें पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, वीट प्रोडक्शन, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा हरित क्रांति में जो फायदा हुआ था वो गेहूं को ही हुआ था, पंजाब हरियाणा और यूपी के इलाके, ठीक है, समझेगा ना यार। और ऑयल सीड है ना इसमें जो लिखा, तिलहर उत्पादन, ये तो येलो रिवॉल्यूशन होगा, मोटे अनाज का रिवॉल्यूशन अब चल रहा है, 2023 का जो साल है वो इसी से ही जुड़ा हुआ है। अगला, ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, वीट, गेहूं, अभी बताया मैंने आपको, याद कर लो इन चीजों को, तो बिल्कुल रट लो, दिमाग में रख लो इनको, वीट आंसर है। अगला, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड कितना हुआ था, हरित क्रांति के ऊपर बात करें तो 2000 किलो, ठीक है, 2000 किलो। अगला, अब आप वही सेम है, पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, वही इसको तो अपन हो गया, मिल्क के लिए आपका व्हाइट हो गया, फिश के लिए आपका ब्लू हो गया, फर्टिलाइजर के लिए आपका ग्रे कलर हो गया, ठीक है, भूरी, तो इसका आंसर आप मैच करोगे, ए हो जाएगा। अगला, पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक कलर इनमें से किसका आप कह सकते हैं, तो पिंक कलर यहाँ पे है अनियंस का, ठीक है। कॉटन, कपास के लिए यहाँ पर जो है वो सिल्वर हुआ था, बाकियों के लिए नहीं हुआ है, प्याज का है पिंक। एक मिनट रुकेंगे, हाँ अब देखेंगे कौन सा गलत है, गोल्डन हॉर्टिकल्चर, व्हाइट मिल्क, ब्लू और ग्रीन, अब आप इसको मैच करो तो ये गलत है, ब्लू जो है वो फिशेस के लिए, कुक्कुट पालन के लिए नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब ठीक लिखे हुए हैं, बाकी सबकी जो मैचिंग है वो बिल्कुल सही जा रही है। अगला, इनमें से कौन सी राबी क्रॉप है, राबी पूछ रहा है, वो है सरसों। राबी और खारिफ में सबको डिफरेंस पता है ना, मतलब ऐसा है कि मैं बता दूं आप लोगों को, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी सही चल रही है, जिनको नहीं पता मैं आपको डिफरेंस यहाँ पर रिवाइज करा रही हूँ, आप सभी लोग मेरे साथ सुन ले जरा, ठीक है ना, जिनको पता बहुत अच्छी बात है। रबी की फसलें होती हैं जिसमें गेहूं, आलू, मटर, चना, अलसी, सरसों, जौ, ये सब होते हैं,
खरीफ की फसलों में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। और खरीफ और रबी की फसलों में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये होता है कि जो रबी होता है ना, रबी रबी सॉरी रबी जो है ना, वो आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर की सर्दियों में होता है, ठीक है, जब उस समय बीज उपयोग में आते हैं तब, और मौसम इसी मौसम में इनकी कटाई की जाती है, जैसे कि गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, इन सब के लिए। गेहूं आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रबी इस तरीके से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और खरीफ की जो फसल होती है वो मॉनसून के फसल के टब समय होती है, शायद मॉनसून शुरू हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तो जून से अक्टूबर के बीच में बोई जाता है उनको, फिर उसके बाद उनको बुआई कर ली जाती है, इनकी फिर कटाई कर ली जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। और जो एग्जाम्पल मैंने बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल पे बहुत बार प्रश्न आते हैं कि क्या इसका एग्जाम्पल है, क्या है, कैसे, वो बहुत बार पूछा जाता है। अगला है माही सुगंधा। माही सुगंधा किसकी वैरायटी है? आजकल ये भी पूछने लग गए हैं जो है मतलब वैरायटी के ऊपर, जैसे मैंने बताया था ना, रोबस्टा, अरेबिका, लिब्रिका, वो कॉफी की थी, ऐसे ही जो माही सुगंधा है ये किसकी है? बासमती चावल की, ठीक है, ये है बासमती चावल जो राइस होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगला, मैक्रोनी गेहूं सबसे ज्यादा आप किस परिस्थिति में मैक्रोनी गेहूं को उगा सकते हो? तो वो हम जब बहुत अच्छी असिंचित रेन फेड होता है ना परिस्थिति, तब उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, राज 3077, ये वही वेराइटी के ऊपर आ गया, ये गेहूं की वेराइटी होती है, चावलों की तो बहुत ही वेराइटी होती है। पूसा सिंधु गंगा ये किसकी प्रजाति के रूप में कही जाती है? तो ये आपकी भी एक वीट की वैरायटी होती है, गेहूं की। इनमें से क्या जो है वीट से जुड़ा हुआ डिजीज हो जाता है, वो है रस्ट, रस्टिक डिजीज का नाम होता है ये। फटाफट कर लेते हैं कंप्लीट। कल्याण सोना ये किसकी किस्म है? ये भी एक वीट की किस्म है। अगला, ट्रिटकेल, ट्रिटकेल इनमें से किस किस का होता है? वो है वीट और राई, गेहूं और राई का होता है, डी आंसर होगा इसका। अगला, राइस एक्चुअली में सबसे पहले हुआ कहाँ थे सा स्टार्ट? वह साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट का जो मतलब दक्षिण पूर्व एशिया जो है ना, वहां से ये शुरू हुआ था, उस रीजन से शुरू होते होते फिर ये आगे जो है इसका काफी ज्यादा बढ़ता गया, मतलब इसका यूज जो है लोगों ने करना, वो सारी चीजें सबसे पहले इसको जो है फिर वहीं से देखा गया। एशियन टाइम की भी बात करूं तो बहुत ज्यादा, एक लोहरा देव एक विलेज है वहां से ये शुरू हुआ था, बहुत पुराना है, ठीक है। और भारत में पूछेगा तो विंध्या के रीजन में सबसे पहली बार इसको हमने उगाना शुरू किया था। अगला फिर वही आ गया खारिफ के ऊपर, नहीं बताया था खारिफ क्या वाला, तो इनमें से कौन सी खारिफ क्रॉप है पूछ रहा है? तो सोयाबीन है इसमें से, ये हमने पढ़ा हुआ है। कौन सी नहीं है? तो अभी पढ़ा था ना मस्टर्ड, सरसों, वो तो रबी है ना, बाकी कपास, मूंगफली, मक्का, ये सब खारिफ क्रॉप है। इनमें से कौन सी खारिफ क्रॉप नहीं है? ग्राम, बाकी सब तो है, चना। अगला, इनमें से सबसे ज्यादा भारत में क्या उगाया जाता है? राइस। भारत में, भारत क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा राइस उगाया जाता है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी पूरा डेटा जो है वो अपलोड कर दिया गया, एग्रीकल्चर का डेटा पूरा स्टडी पॉसिबल सर्विसेज के चैनल पे, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगला वही पूछ रहा है, अगला सेम सवाल है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, किस फसल के अंतर्गत सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है? वो है राइस। अगला, वो भी अगला भी सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, बस थोड़ा सा ना वही है, आपको भी पता है, हल्का सा क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते हैं। अब किसमें होता है सबसे ज्यादा राइस? आपको पता है सबको कि राइस सबसे ज्यादा जो है वो वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल। आंसर इसका गलत है, यहाँ पर यूपी दिया हुआ है, वैसे इसका आंसर जो होगा ना वो वेस्ट बंगाल होगा। अगला,
जया, पद्मा, कृष्णा, ये किसकी वैरायटी है? राइस की वैरायटी है, ठीक है? तो आपको ये जो वैरायटीज है ना, आप देख लो, इस पे भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इंडिया की जो वैरायटीज है ना, वो कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है? मैं आपको थोड़ी सी लिखवा देती हूँ, एक काम करती हूँ, सो दैट आपको पता हो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा सा आपको ना याद होना चाहिए। इंडिया के राइस में सबसे पहले तो बासमती, जोहा, जया, बोली, मट्टा, ज्योति। लड़कियों के नाम जाएंगे वो तो राइस में आप डाल सकते हैं, ठीक है ना? ज्योति, जया, ये तो बासमती, पोन्नी, सोना, मसूरी, हिमालया, रेड राइस, ब्लैक राइस, काला नमक राइस, बुद्धा राइस, ये भी नाम है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और अभी बासमती में भी काफी सारी नई नई वैरायटीज को ऐड कर दिया गया है, तो बस थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा, इतना इनफ है इसमें, अगर आप अच्छे से भी याद कर लेते हैं, ठीक है भाई? अगला, पूसा सुगंधा 5, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये भी राइस की ही एक वैरायटी है। बरानी दी, ये किसकी है? ये पैडी, धान की एक वैरायटी है। वैरायटी इसमें से पूछ रहा है, बासमती राइस की वैरायटी है इसमें से पूछ रहा है, तो इसमें से पूसा RH10, भारत में राइस कहाँ उगाया जाता है? जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, आपको ये पता है ना, राइस उगाने के लिए रेनफॉल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो इस पूरे ऑप्शन में जहां पर भी सबसे ज्यादा रेनफॉल का ऑप्शन आ रहा है, 100 सेंटीमीटर से अधिक क्षेत्र में, वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कहां पर जो है फसलें जायद में, संचित एरिया में उगाई जाती है? जैद क्रॉप, जो जैद क्रॉप का एरिया है उसमें मूंग और उड़द जो दालें हैं वो उगाई जाती है। कॉटन फाइबर यहाँ पे हमें कहां से मिलते हैं? कॉटन की उत्पत्ति हमें बीज से देखने को मिलती है। ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इसको मैं फटाफट आगे बढ़ा रही हूँ। किस राज्य में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है? गन्ना, यूपी। शुगर केन, यूपी आएगा टॉप। शक्कर नगर, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, बिल्कुल सही बात है। कहां पर है? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है? अगला, भारत का शुगर बोर्ड, यूपी। सबसे ज्यादा शुगर बोर्ड, शुगर कहाँ मिलती है? यूपी में। और एक चीज याद रखिएगा, वर्ल्ड का शुगर बोर्ड किसको कहा जाता है? क्यूबा। क्यूबा कहाँ पर है? जो कैरेबियन आइलैंड है ना, उसकी तरफ पड़ता है, ठीक है? अगला, भारत की पहली शुगर मिल 1903 में बनी थी, सही बात है। कहाँ पे पड़ी थी? प्रतापपुर में, सबसे पहली बार, ठीक है भाई? प्रतापपुर में शुगर की फैक्ट्री है, सबसे पुरानी बनी हुई है, उत्तर प्रदेश, प्रतापपुर जो जगह है वहीं पर। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड उसका नाम है। अगला देखेंगे, शुगर इंडस्ट्री जो है यहाँ पर, आप देख रहे हो कि शुगर इंडस्ट्री नॉर्थ से साउथ की तरफ काफी शिफ्ट होती जा रही है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज कि गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन हो रहा है वहां पर, हाँ काफी बड़ा रीजन, सही बात है। और शक्करा का अधिक होना, जो सुक्रोज होता है ना गन्ने में, वो वहां पर अधिक हो रहा है। और पेराई का लंबा मौसम वहां पे आता है, क्रशिंग सीजन जो होता है वो ज्यादा है। चीप लेबर मैं इसमें काउंट नहीं कर सकती, क्योंकि सस्ता श्रम तो आपको नॉर्थ वाले रीजन में भी मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको तो हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बाकी चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1, 2 एंड 3, सी आंसर हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न बहुत इजी है, येलो रिवॉल्यूशन जो हमारा ये ऑयल्स की से जुड़ा हुआ है, ये भी मैं आपको बताया हुआ, ऑयल से जुड़ा हुआ हमारा जो रिवॉल्यूशन है उसे हम यही कहते हैं, ठीक है ना? बाकी एग्रीकल्चर से वाले को हरित क्रांति ग्रीन वाला कहते हैं, फिश के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं, और पल्सेस के लिए कोई स्पेशल रिवॉल्यूशन हुआ नहीं है।